नमस्कार, मेरा नाम है मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास अवेलेबल हैं दो मिड रेंजर डिवाइस, जिसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी M40 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और यह है Realme 3 Pro जो कि काफ़ी पॉपुलर डिवाइस रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिलती है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M40 में दिया गया है स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, जबकि Realme 3 Pro में यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट। यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन्स में अलग अलग रैम वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं दोनों ही फोन्स में 6GB रैम वेरिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट को और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन हमें बेटर परफॉर्मेंस दे पाता है। तो चलिए स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ही फ़ोन को बूट करके देखते हैं कि बूटिंग में कौन सा फ़ोन विनर रहता है। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। तो 1, 2, 3। तो दोस्तों, यहाँ पे बूटिंग में बाजी मार लिया है सैमसंग गैलेक्सी M40 में। जी हाँ, ये पहले स्टार्ट हो चुका है और Realme 3 अभी स्टार्ट होना बाकी है। तो Realme 3 Pro भी स्टार्ट हो गया है। चलिए अब चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की तरफ, और उससे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर लगभग 173,000 बेंचमार्क स्कोर हमको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 के, जबकि Realme 3 Pro के स्कोर दिए गए हैं 156,000। तो कुछ डिफरेंसेस तो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स के बेंचमार्क स्कोर में। देखते हैं कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के फर्स्ट राउंड की तरफ, जहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम एप्लीकेशन को ओपन। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन में कोई भी बैकग्राउंड ऑलिशन काम नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड को और देखते हैं कि हमें यहां पर क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट राउंड जहां पर हमें विनर देखने को मिला है सैमसंग गैलेक्सी M40। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं टाइम डिफरेंस या फिर परफॉर्मेंस की, तो वहां पे हमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला। इनफैक्ट काफ़ी सारी एप्लीकेशन में कुछ मिली सेकेंड्स का ही डिफरेंस था। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो परफॉर्मेंस था वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन 5 में से 4 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई हैं सैमसंग गैलेक्सी M40 में। तो इस राउंड का विनर होता है गैलेक्सी M40। दोस्तों, सेकेंड राउंड में हम करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर चेक, कि कौन से फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर आपको फास्ट देखने को मिलता है। आपको बता दें, दोनों ही फोन्स में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने को मिल जाता है, जो कि रियर साइड में माउंटेड है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फास्ट है Realme 3 Pro का फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे ही आप देख सकते हैं, जैसे ही टच करते हैं वो ओपन हो जाता है, और सैमसंग गैलेक्सी M40 के होम स्क्रीन को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो नो डाउट यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर में Realme 3 Pro बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ, जहाँ पर हम एक बार फिर से करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन में एप्लीकेशन लॉन्च, लेकिन एप्लीकेशन लॉन्च टाइम के साथ में यहाँ पर रैम मैनेजमेंट को भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं।
और दोस्तों इस राउंड में कुछ फास्ट हमको देखने को मिला है Realme 3 Pro। जी हाँ, जो एप्लीकेशन लॉन्च टाइम था वो पहले कंप्लीट कर लिया था, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ दो या तीन एप्लीकेशन स्टॉप हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फाइनल स्कोर में डिले देखने को मिला है। यहाँ पर भी विनर होता है सैमसंग का गैलेक्सी M40, क्योंकि कंप्लीट टास्क करने में टाइम लिया है 2 मिनट और 25 सेकेंड का, जबकि Realme 3 Pro को टाइम लगा है 2 मिनट और 37 सेकेंड। यहीं पर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन लॉन्च टाइम की, तो वो 2 मिनट में कंप्लीट की थी सैमसंग M40 ने, जबकि Realme 3 Pro को टाइम लगा था 1 मिनट और 56 सेकेंड। तो कुछ ऐसा हमको देखने को मिला है दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस, जो कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है। जी हाँ, एक राउंड में फास्ट था सैमसंग का गैलेक्सी M40 और दूसरे राउंड में फास्ट था Realme 3 Pro। तो यही था दोस्तों बस आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो एक बार फिर से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।